खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है। थाना पचपेड़वा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रमवापुर थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर में 4 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त होने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक महोदया ने दी जानकारी। आज दिनांक 10 जुलाई को पचपेड़वा थाना क्षेत्र के ग्राम रमवापुर में एक 4 वर्ष की बच्ची का शव प्राप्त हुआ। उक्त घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर थाना अध्यक्ष पचपेड़ा वाला गांव के द्वारा गांव में जाकर जांच पड़ताल की गई और गांव वालों और बच्ची के परिवारीजनों ने ये बताया कि रात्रि में करीब 2 बजे 4 वर्षीय बच्ची अपनी मामा की लड़की के साथ चारपाई पे सोई हुई थी और उसी समय उसके बगल में उसकी नानी भी सो रही थी और तभी एक तेंदुए ने आकर उस बच्ची को गले से पकड़ के उठा के ले गया। इस पर बच्ची की बहन और उसकी नानी ने हल्ला किया, तब गांव के बाकी लोग भी आए और उन्होंने उसको तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश खदेड़ने की कोशिश की और पर रात्रि अधिक होने की वजह से उस समय पता नहीं चला और तेंदुआ बच्ची को लेकर झाड़ियों में चला गया था। उसके बाद जब सुबह गांव वालों ने पुनः बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया तब वहाँ पर गाँव वालों ने बताया कि तेंदुआ जो है बच्ची को लिए हुए था और खा रहा था और उस पर गाँव वालों ने उसको खदेड़ा और बच्ची को छुड़ाया, परंतु बच्ची की तब तक मृत्यु हो गई थी। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जहां तक क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर और थानाध्यक्ष पचपेड़वा ने गांव में जाकर जांच की है और जो परिवारीजनों ने बताया है उससे किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक घटना की बारे में कोई बात नहीं कही गई है और यही बताया गया कि बच्ची को तेंदुआ उठा के ले गया था और तेंदुए ने ही बच्ची को खा लिया है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी इसमें निकल के आएगा उसके आगे कार्रवाई होगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।